यह DU LLB 2015 के क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो DU LLB का पहला क्वेश्चन क्या है, 2015 का एक पेपर है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो पहला क्वेश्चन, द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न इज सचिन तेंदुलकर, कैसे? चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर द फार्मर इंडियन क्रिकेटर्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट आइकन दैट इंडिया इवन हैड इज द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन हु यंगेस्ट भारत रत्न अवार्ड विनर हु। 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिला, प्रणब मुखर्जी उस समय थे, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन है कि टाइफून हायन डिवेस्टेड पार्ट्स ऑफ विच आइसलैंड नेशन रिसेंटली। तो अब ये देखते हैं, सुपर टाइफून इज नोन एज टाइफून हायन, नोन इन द फिलीपींस एज सुपर टाइफून योलेंडा, वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन एवर रिकॉर्डेड। तो फिलीपींस में जो है टाइफून हायन रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। तो कहाँ पे पूछ रहा था, तो फिलीपींस में, ठीक है। तीसरा है, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू एबोलिश कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो इसमें है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला, तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में देख पढ़ते हैं। कैपिटल पनिशमेंट आल्सो नोन एज डेथ पेनल्टी इज ए गवर्नमेंट सैंक्शन प्रैक्टिस वेयर बाई अ पर्सन इज पुट टू डेथ बाई स्टेट एज पनिशमेंट ऑफ फॉर क्राइम। द सेंटेंस ऑर्डरिंग दैट समवन बी पनिश्ड इन सच अ मैनर इज रिफर टू एज अ डेथ सेंटेंस वेयर एज द एक्ट ऑफ कैरिंग आउट सच अ सेंटेंस इज नोन एज एन एग्जीक्यूशन। अ प्रिजनर हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ एंड इज अवेटिंग एग्जीक्यूशन इज रिफर्ड टू एज कंडेम्ड एंड इज सेड टू बी ऑन डेथ रो। क्राइम्स दैट आर पनिशेबल बाई डेथ आर नोन एज कैपिटल क्राइम्स। कैपिटल ऑफेंस आर कैपिटल फेलोनीज एंड वेरी डिपेंडिंग ऑन द ज्यूरिडिक्शंस बट कॉमनली इंक्लूड सीरियस ऑफेंस सच एज मर्डर, मास मर्डर, एग्रीवेटेड केस ऑफ रेप, चाइल्ड रेप, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो है किस किस कंट्री में, अब ये तो अगले का आंसर रहेगा, ठीक है। तो द लेटेस्ट एंड 29th स्टेट ऑफ इंडिया कौन बना है, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, तो तेलंगाना बना है, तेलंगाना। तो तेलंगाना कैसे बना, चलिए देखते हैं क्या। देखिए तेलंगाना, उड़ीसा वाज रीनेम्ड एज, उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया और पौंडिचेरी का नाम पुडुचेरी हो गया 2011 में। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को जो है 10 जिलों के जो है आंध्र प्रदेश के जो 10 जिले थे उसको मिला करके तेलंगाना बना दिया गया 2014 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू जो है, तो देखिए नॉर्मली जो है जो ब्लड की पीएच वैल्यू है, ये जो है जो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है 7.35 से 7.45 के बीच में रेंज में होती है, ठीक है। ये जो है क्लोज टू 7.40 के आसपास होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ब्लड का जो है, देखिए अब आप ऑप्शन भी देख लीजिए, पीएच वैल्यू 7 है ना, 7.40। अब छठा क्वेश्चन,
प्लानिंग कमीशन हैज स्क्रैप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ न्यू थिंक टैंक कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। प्लानिंग कमीशन कहाँ गया, देखिए, ऑन जनवरी 1, 2015 अ कैबिनेट रेजोल्यूशन वाज पास टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद द न्यूली फार्म नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। फार्मेशन ऑफ नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। ठीक है, नीति आयोग कब बना, ठीक है, तो ये नीति आयोग है, NITI आयोग। तो इन इपिक रामायण विच बर्ड ट्राइज टू प्रिवेंट रावण फ्रॉम कैरिंग सीता अवे, तो रावण को कौन रोक रहा था सीता जी को दूर ले जाने के लिए, तो जटायु रोक रहा था। ठीक है, जटायु, मैच द फॉलोइंग विद द टाइम दे आर प्लेड, तो इसका है ये जो है आंसर, इन्होंने जो पेपर जिसने दिया है उसने पहले से ही आंसर मार्क करके रखा है, लेकिन फिर भी आंसर के लिए एक एक्सप्लेनेशन बहुत ही कंपल्सन हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन उसका दिया जाए। तो ये जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो एक्सप्लेनेशन जो है पहला का बी, ठीक है, दूसरा का डी, तीसरा का सी, चौथा का ए। तो यानी दीपक राग जो है शाम को गाई जाती है, दीपक राग, राग मलुक गाई जाती है आधी रात में, मिडनाइट, और जो राग भैरवी है मॉर्निंग में गाई जाती है, और राग जो मेघा है रेनी सीजन में गाई जाती है। ठीक है, चलिए, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू विन द नोबल प्राइज ऑन द लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश राइटर टू विन नोबल प्राइज इन लिटरेचर, तो अब चलिए देखते हैं कौन थे। हाँ चलिए, आ गया, जो रुडयार्ड किपलिंग थे, तो ये जो है वाज अवार्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर 1907 में, फर्स्ट विनर ऑफ द प्राइज फ्रॉम ब्रिटिश एंड फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज राइटर। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग, देखिए नाम उनका भी लिखा होगा, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, नैसडैक क्या है, नैसडैक जो है एक गलत इन्होंने ऑप्शन लिख दिया है, नैसडैक जो है अनदर नेम ऑफ स्टॉक, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। ठीक है, वन रुपी नोट इन इंडिया वाज इशूड बाय, ठीक है, तो इसको देखते हैं, वन देख नैसडैक के बारे में हम आपको बता रहे थे, नैसडैक वाज आल्सो नोन एज अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड एट 140 ऑफ न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, नैसडैक के बाद इसके बाद ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस अंडर सेक्शन 22 RBI एक्ट, एक रुपए के नोट पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का मतलब सिग्नेचर होता है। ठीक है, एज पर यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट विच टू कंट्री विल लीड ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2010 टू 2050, इंडिया एंड चाइना, तो कैसे, चलिए देखते हैं। कैंसल, नैसडैक, ए महाराज,
देखिए, जस्ट थ्री कंट्री, इंडिया, चाइना एंड नाइजेरिया आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट 35 ऑफ द ग्रोथ पॉपुलेशन वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन बिटवीन 2018 एंड 2050 के बीच में। इंडिया, चाइना एंड नाइजेरिया, मतलब 35% जो है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन में भी दिया था ना, इंडिया और चाइना दिया है ना, 2010 से 50 के बीच में। नाइजीरिया और यूएसए तो है नहीं, दो कंट्रीज। हु रोट क्रूसेडर और कंस्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रूथ्स, तो पीसी पारेख ने लिखा था, पीसी पारेख ने लिखा है। तो अब ये देखिए, क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेशन, कोलगेट एंड अदर ट्रूथ्स, पीसी पारिख, पीसी पारिख यानी कि प्रकाश चंद्र पारिख, हु हेल्स फ्रॉम राजस्थान से वो बिलोंग करते हैं। ये जो एक आई एस 1969 बैच के आई एस अफसर हैं आंध्र प्रदेश रीजन के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाई नोबेल लॉरेट गैब्रियल गार्सिया मार्केज़, हु डाइड रिसेंटली। तो इनके द्वारा कई चीज़ें हुई थी, गैब्रियल के द्वारा जो है, गैब्रियल जो है वाज अ कोलंबियन नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, स्क्रीन राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है। गाबो के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। तो इनकी जो है कुछ ट्रीटीज थी, देखिए, नॉवेल्स लिखा था, इविल लिखा, इविल पे, 100 ईयर्स ऑफ सोल्टीट्यूड, आटम ऑफ पैट्रियट्स, लव इन द टाइम नॉवेला लिखा था, देखिए, आईज ऑफ अ ब्लू डॉग, ये सब स्टोरीज उनकी लिखी हुई हैं, ये भी, ये सब भी हैं उनकी रचनाएं, ठीक है। नॉन फिक्शनल स्टोरी, ये सब स्टोरी लिखा था, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पर्सन, विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर के बारे में देखिए, विलियम शेक्सपियर जो है इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइटर थे, एक्टर थे, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर, इज कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड बर्ड ऑफ एवन, ठीक है। पैदा कहाँ हुए थे, पैदा यूके में हुए थे, यूनाइटेड किंगडम में, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, डाइड हुए थे यूके में 1616 में। बुक्स एल आई कंपेयर दी टू समर शेक्सपियर्स पोएम मोर, शेक्सपियर सोनेट सेल आई कंपेयर, ये सब है सोनेट, 116 सोनेट लिखे थे, ठीक है। तो डाइड इन 1916 में डाइड भी हुए थे यूके में, ठीक है, ये सब विलियम शेक्सपियर के बारे की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सफदरगंज टॉम्ब नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी हम आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ ले आए हैं, ए या जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, इज अ प्लेस दैट इज लिस्टेड बाई यूनेस्को फॉर इट्स स्पेशल कल्चर आर फिजिकल सिग्निफिकेंस। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेंटेन बाई इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा होती है जो है, ठीक है। तो भारत में कुल कितनी तमाम यूनेस्को की साइटें हैं, आगरा फोर्ट है जिसमें, अजंता केव है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार है, बुद्ध सांची का स्तूप है, तमाम जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, एलिफेंटा केव, फतेहपुर सिकरी, ग्रेटेस्ट चोल टेंपल है, हम्पी के
और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो कुतुब मीनार है, हुमायूं, सफदरगंज टॉम्ब नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इन, तो वर्ल्ड्स की जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है भारत में सिक्किम में है, ठीक है। ये देखिए सिक्किम में जो इसका पिन कोड है 172114, 15,500 फीट ऊंची है। सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। शशि थरूर बुक द ग्रेट इंडियन नॉवेल यूजेज अ प्लॉट ऑफ विच इपिक लिटरेरी, तो महाभारत, ठीक है। कैसे है तो इसके पे भी देखिए, पढ़िए इसको, द महाभारत, ठीक है। द ग्रेट नॉवेल इज सटायरिकल नॉवेल बाय शशि थरूर, फर्स्ट पब्लिश बाय विकिंग प्रेस इन 1989 में। फिक्शनल वर्क दैट टेक्स प्लेस द स्टोरी ऑफ महाभारत, द इंडियन इपिक एंड रिकास्ट एंड रिसेट्स इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द फर्स्ट 3 डिकेड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। शेक्सपियर हो गया है, अभी यहाँ, ठीक है। तो 19वां क्या है, 19वां, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो उस समय 15 में पूछा था, तो बैन की मून है, लेकिन इस समय जो है प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी हैं जो है, आइए आपको दिखाते हैं सेक्रेटरी कौन है। हमने चूँकि सर्च कर करके सब लिख रखा था, ये जो है एंटोनियो गुटेरेस इज़ द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल। हिज टर्म बिगेन 1 जनवरी 2017 से इनका टर्म शुरू हुआ है, ठीक है। देखिए द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी एंड जनरल इज पार्टिकुलर इज लेड बाय चैप्टर 15, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री में जो है नेपाल है लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान भी खुला है तो लैंड लॉक कंट्री पे आइए, लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री और लैंड लॉक स्टेट इज अ सॉवरेन स्टेट दैट डज नॉट हैव टेरिटरी कनेक्टेड टू एन ओशियन और हुज कोस्टल लाइन इज, जिसके समुद्र से कोई वो नहीं हो। और तो इसमें जो है देयर आर करेंटली 49 लैंड लॉक कंट्रीज इंक्लूडिंग 5, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज चाइल्ड वेलफेयर एज इट्स प्राइमरी गोल, तो यूनिसेफ का है चाइल्ड, 21 क्वेश्चन है, तो यूनिसेफ का कैसे है तो चलिए देखते हैं। विच ऑन चाइल्ड वेलफेयर प्राइमरी गोल, द यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड इज नेशनल प्रोग्राम हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी दैट प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंट टू चिल्ड्रंस एंड मदर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 11 दिसंबर 1946 बाय द यूनाइटेड नेशन टू मीट द इमरजेंसी नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन पोस्ट वार यूरोप एंड चाइना। देखिए वाट वी डू, यूनिसेफ क्या करता है, ये जो है देखिए, यूनिसेफ वर्क्स इज ओवर 190 कंट्रीज एंड टेरिटरीज टू सेव चिल्ड्रंस लाइफ, टू डिफेंड देयर राइट्स एंड टेक हेल्प देम फुलफिल देयर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस एंड वी नेवर गिव अप, ठीक है। विच हिंदी राइटर इज नोन एज अज्ञेय, ठीक है। विच हिंदी राइटर इज नोन एज अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, फोटो भी आप लोगों ने देख लिया। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 7 मार्च पॉपुलरली नोन एज अग्गे, ठीक है। सच्चिदानंद हिंदी राइटर भी थे, ठीक है। हु रोट द बुक एशियन ड्रामा, ठीक है, एशियन ड्रामा किसने लिखा, 23वां क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखते हैं क्या नेट पे क्या एशियन ड्रामा। गुन्नर मिर्डल बिगन वर्क ऑन एशियन ड्रामा इन 1957, मोर देन 10 ईयर्स बिफोर इट्स पब्लिकेशन, ठीक है। कार्ल गुन्नर मिर्डल स्वेदिश इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट इन 1974, इन एशियन ड्रामा प्रेडिक्ट दैट लैंड रिफॉर्म्स एंड पेसिफिकेशन वुड फेल इन वियतनाम, ठीक है। द कंट्रीज विच हैव टिस्टा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, तो किस कंट्री, बांग्लादेश और इंडिया, तो कैसे, चलिए तो बांग्लादेश और इंडिया में कैसे हैं, तो बांग्लादेश तिस्ता जो रिवर का जो डिस्प्यूट है, तिस्ता रिवर डिस्प्यूट मेक हेडलाइंस एवरी टाइम, टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, द डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग ऑफ रिवर तिस्ता, बांग्लादेश वांट्स अ हायर शेयर देन इट गेट्स नाउ, करेंटली इट्स अ शेयर इज लोअर देन दैट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तिस्ता के साथ इसका विवाद है ही, ठीक है। अब जो है तो बांग्ला इंटोमोलॉजी इज द साइंस द स्टडी इंसेक्ट्स, इटिमोलॉजी, ठीक है, इज द साइंस साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी। इन द पास्ट द टर्म इंसेक्ट वाज वेकर एंड हिस्टोरिकली डिफाइंस डेफिनेशन ऑफ इंटोमोलॉजी, ठीक है। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर इन अ चेस बोर्ड, तो चेस बोर्ड में जो है 64 स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी 64 दिया, 64 होते हैं। अब जैसे अब इसको भी, अब ये है 4 है, तो अब जब 4 को मिला देंगे तो ये भी एक स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं माना है, जो है 64 ऐसे होते हैं, नहीं तो ऐसे 204 हो जाते हैं, ठीक है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टेरिटरीज इज इंदिरा पॉइंट, 27वां इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट कैसे, चलिए देखते हैं कीबोर्ड में, देखिए 64 है ना, 64 है, नहीं तो ऐसे सब हो जाते हैं 204। इंदिरा पॉइंट है, देखिए ये इंदिरा पॉइंट है। इन द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन द इंडियन टेरिटरी इज इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, इट्स अ केप कोमोरिन और कन्याकुमारी, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक। और अब द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है, 28वां क्वेश्चन, क्राइम एंड पनिशमेंट, देखिए आथर फेडर डोस्टेविस्की, कहाँ के रहने, रशियन लैंग्वेज में लिखी गई है, ए फिलोसफिकल नॉलेज है, क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है, FD के द्वारा, फ्योडर डोस्टेविस्की, ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट। चलिए ये जो है द फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज वन बाई देविका रानी, तो देविका रानी की बात, कैसे देविका रानी ने जीता, देखिए यहाँ देखिए, द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ दिस अवार्ड इज देविका रानी हु रिसीव्ड इट इन 1969 में ऑन द ओकेजन ऑफ द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड। दादा साहेब फाल्के इज नोन एज
द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। मॉरिशस इज द कंट्री इन इंडिया ओशियन इज लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका, तो कैसे देखते हैं। मॉरिशियस ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस इज एन आइसलैंड इन इंडियन ओशन अबाउट 2000 किलोमीटर्स, ठीक है। करेंसी इसकी मॉरिशियन रुपी है, ये जो है देखिए। मॉरिशियस इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जियोग्राफिकली एंड इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन, ठीक है। तो अब जो है 30 क्वेश्चन ही, अभी इसमें 30 क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से अभी विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए। अगर समझ में आपको आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।